सवाल किसी पार्टी का नहीं है कि कानून जब हमने इनेक्ट कर दिया है तो ये कानून लागू करने का काम प्रशासन का है, जैसे हमने कहा टाउन बिल्डिंग कमेटी का। तो अब कई राज्यों ने तो इसको लागू भी नहीं किया था, तो इसको लागू कराने का काम हम लोगों ने कई बार मीटिंग बुलाई और लोगों से कहा। और आज भी अगर कहीं पे किसी रेहड़ी पटरी वाले को उजाड़ा जाता है तो इसमें वहाँ के लोकल कोई पुलिस वाले ज़िम्मेदार होते हैं, लोकल कोई MCD का कर्मचारी ज़िम्मेदार होता है। ऐसी चीज़ों की न कोई पुनरावृत्ति हो, इस संबंध में हम लोगों ने कई बार बैठ के किया, निर्देश भी दिया है और आगे भी इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं तो उस पर फिर हम पैसे बैठक बुलाएंगे। वसूली का मुद्दा है, पैसे लेते हैं पुलिस वाले और मारते भी हैं, महानगर में ज़्यादा कठिनाई। देखिए ये लोकल इशू है, ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है। मेट्रो सिटी में कुछ ज़्यादा परेशान आप समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये है कि वो कानून जो आया उस कानून का सही पालन हो रहा है, उस कानून के बावजूद भी अगर कहीं लोगों के साथ कोई कठिनाइयाँ हैं तो हम सभी स्टेक होल्डर्स को, हमने फेडरेशन को सबको अपनी मीटिंग बुलाया, उनके विचार हमने सुने, प्रशासन के, पुलिस के, सबके, और उसके आधार पे ही हमने तैयार करके अपनी रिकमेंडेशन दी है। तो आप आश्वस्त कर रहे हैं कि आगे हम इस पर मैंने नज़र रखेंगे और आवाज़ उठाएंगे जहाँ ज़रूरत पड़े। हमने रिकमेंडेशंस कर दिया है और हमें उम्मीद है कि जब वो रिकमेंडेशंस लागू हो जाएंगे तो इस तरह की चीज़ नहीं होगी। हमने MCDs के कमिश्नर्स को कहा है, इसमें कोई सरकार को हम नहीं बुलाते कमेटी में, हम कमेटी में अधिकारी बुलाते हैं। हमने कमिश्नर्स को कहा है आप ये इंश्योर करिए कि जो वेंडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करके उनको रजिस्टर्ड करिए, रजिस्टर्ड करके उनको आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, आइडेंटिटी कार्ड दे करके जहाँ पे वो लोग बैठते हैं आप वहाँ पे एक टाउन वेंडिंग जोन बनाइए और टाउन वेंडिंग जोन वो निर्धारित है जिससे कोई पुलिस वाला, कोई जैसा आपने कहा कोई उजाड़ देता, कोई वसूली करता है, फिर ये नहीं होगा। सर आखिरी सवाल, हॉकर्स का ये कहना है कि हमें, मेरा सर्वे भी हो गया, मुझे ई कार्ड भी इशू कर दिए गए, लेकिन वो जो है MCD के कर्मचारी मानते नहीं हैं, लेकर चल देते हैं सामान। पुलिस वाले देखिए ये इशू जो है अब वो हमसे फिर अलग बैठेंगे भी बताएंगे, उसके आलोक में हम फिर बैठक करके बात करेंगे। ठीक है सर। सर जो लोन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन जब ये लोग बैंक में जाते हैं तो उन्हें किश्तों में लोन दिया जा रहा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानी जा रही। नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा है सर, यहाँ के लोगों ने खुद कहा है। स्वनिधि की बात कर रहे हैं, लोन की बात, स्वनिधि की, स्वनिधि तो 10,000 एक साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा अगर कोई इंडिविजुअल केस मिले मैं उस बैंक को बुलाऊंगा मीटिंग में और मैं सुनिश्चित करूंगा कि PM स्वनिधि में जो दिया जा रहा है 10,000 वो बिना किसी कोलेट्रल के, अगर वो वेंडिंग का काम, वेंडिंग का काम करता है तो वेंडिंग काम करता है तो उसको मिलना चाहिए। और इसमें काफ़ी जो कठिनाइयां थी, हम लोगों के प्रयास के बाद सभी बैंकों ने अपने यहाँ डेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम किया, बैंकों ने कोलेट्रल जो लेते थे उसको भी कम किया, ये चीज़ें हैं। और अब आज बड़ी संख्या में जो 10,000 लिए थे वो 10,000 को उन्होंने जब एक साल में अपनी EMI दे दिए तो ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट हो जाता है। अगर रेगुलर EMI देते रहें तो उनका जो 1,250 बनता है उस पर आपको इंसेंटिव मिल जा रहा है, और फिर 20,000 रुपया आपको बैंक से फिर मिल सकता है। तो इतनी सुविधा हमने की। MCD में भी आपकी सरकार है और जो पुलिस है वो भी आपके अंडर आती है, लेकिन जब भी वहाँ पे जो लोग पटरी लगा रहे हैं उनको हटा दिया जा रहा है तो वो लोग लोन कहाँ से भरेंगे? आप हमसे सरकार के संबंध में पूछें, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हम आए और हमने इनकी रिकमेंडेशंस की, हमने इनकी मदद हमने इनकी मदद की, रिकमेंडेशंस किया है, जो हमारा अधिकार था उस अधिकार में संतुष्ट है इनके लोग। पूछिए इनसे कि हमने कितनी मेहनत किया है, लगातार काफ़ी बैठ के किया, सभी राज्यों के अधिकारियों को बुलाया, नेशनल हॉकर फेडरेशन शक्तिमान जी को बुलाया और जितने स्टेक होल्डर थे सबको बुलाया और उन सबको सुन करके इनको आगे उत्पीड़न न हो उसकी रिकमेंडेशन दिया है। सर ये जो लोग हैं 20-30 साल पुराने के तहत तो जो है पहचान पत्र भी नहीं मांग रहे थे और 10,000 जो है देने की, लोन देने की वादा किया है सरकार ने, मगर अब जो है उनसे पैन कार्ड भी मांगा जा रहा है, एग्रीमेंट मांगते हैं। इतनी मेहनत इसमें प्रधानमंत्री ऑफिस ने किया है कि सभी राज्यों को कोविड के दौरान लगातार रोज फॉलोअप किया जाता था, आपने आज कितना दिया, हर बैंकों से पूछा जाता था आपने कितने लोन अप्लाई किया,
कितने लोगों को आपने सैंक्शन किया, कितना डिस्पर्स किया, ये कमेटी भी ये काम करती रही है। मगर वो बोल और रहे कि उनको अगर अगर किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, पहले छोटी छोटी बातों में रिजेक्ट कर देते थे ऐसा, तो आज वो सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। अब कोई अगर ऐसा इंडिविजुअल केसेज है मेरे नॉलेज में आएगा तो मैं उसको एड्रेस, जिसमें 40% हॉकर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, ऑफिसर्स भी रहेंगे, MP MLAs भी रहेंगे, तो निश्चित तौर से जो इनका शोषण है वो बंद होगा। तो आज उसी सिलसिले में ये लोग के इन्होंने बुलाया था, मैं आज भी आया हूँ और हमने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी है जो पार्लियामेंट में हमने उसको प्रेस कर दिया है और हमें उम्मीद है कि उस रिकमेंडेशन पे भी आगे अमल हो। सर, भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा पूरा कब्जा है MCD पर, लगातार हॉकर्स शिकायत करते हैं कि परेशान किया जाता है, ये किया जाता है, तो 14 का बना कानून अब तक मतलब पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। देखिए, सवाल इसमें भारतीय जनता पार्टी का नहीं है,